हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बहुत दिनों बाद आज मैंने सोचा कि चलो आज का ब्लॉग मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, और मतलब मुझे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी आप देख सकते हो कि स्वेलिंग है मुझे, पर अभी दवाई चल रही है, देखते हैं, मतलब धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। तो अभी होली भी नज़दीक आ रही है। जैसा कि आज का दिन जो है वो है बुधवार है, और तारीख है 16 मार्च, सुबह के बज रहे हैं 9। और अभी मैं बस घर का जो क्लीनिंग होता है बस वही सब मैंने किया है। आज मुझे बहुत सारे काम है, जैसे कि मुझे कर्टन क्लीन करना है, मतलब मशीन में लगाना है, गुजिया वगैरह आज ही मैं बना लूँगी, क्योंकि कल जो है वो मेरा पूर्णिमा का फास्ट रहेगा, तो मेरी तबीयत भी अभी उतनी सही नहीं है, तो इसीलिए आज गुजिया बना लूँगी। तो कल जैसे व्रत रहूँगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा कुछ रहेगा थोड़ा बहुत, तो कल मैं बना लूँगी। अब बाकी परसों यानी शुक्रवार को होली है ही, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गया आप लोग से बातें किए हुए, आप लोग से कोई मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, तो आज मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों को स्कूल जाने से रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। मुझे सुबह ही उठना पड़ता है, उनको तैयार करना स्कूल में, मतलब छोड़ना। बिंदी मेरी टेढ़ी लगी है लग रहा है। हाँ, स्कूल छोड़ना, बच्चे आ जाएंगे मतलब 1:30 बजे, अभी तो मॉर्निंग के 8 बजे का स्कूल उनका है, और वो 1:30 बजे तक घर आ जाते हैं। तो बातें तो हो गई हैं 1 मिनट से ज़्यादा की, अब वीडियो लंबा मैं नहीं करूँगी, तो अभी चलते हैं किचन में। पहले बनाऊँगी चाय, पीऊँगी, अभी मैं भी नहा ली हूँ और चाय बना के पी लूँगी। उसके बाद से आज सादा ही, मतलब जो लंच है वो सादा ही रहेगा, कुछ स्पेशल लंच में नहीं है। सोच रही हूँ आलू बैंगन की भुजिया बना दूँ, सादा दाल चावल रोटी रहेगी। तो चलिए अभी बनाते हैं चाय, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। उसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब मैं इसमें साबुत जीरा डाल दूँगी और हरी मिर्च लहसुन से तड़का लगा दूँगी। जब ये हरी मिर्च और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं लौकी मतलब ऐड कर दूँगी। और ये सिंपल मतलब सब्जी है, हर चीज़ के साथ आप खा सकते हो, जैसे कि रोटी के साथ भी अच्छी लगेगी और दाल चावल के साथ भी अच्छी लगेगी। वैसे मैं सोच रही थी कि आलू बैंगन का भुजिया बनाऊंगी, फिर सोचा कि चलो आज लौकी बना लेती हूँ, क्योंकि लौकी जो थी वो सूख रही थी। तो अभी देखिए मैंने लौकी डाल दिया है और इसमें रूटीन के मसाले जैसा कि हल्दी नमक बस, और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहो तो गरम मसाला और प्याज से तड़का लगा सकते हो, ये ऐसी भी टेस्टी लगेगी, आप मसाला डाल के बनाओगे तो भी अच्छी लगती है। तो अभी मैं इसे कवर करके 2-2 मिनट पे इसे मतलब चेक करती रहूँगी, जब तक कि ये सारी लौकी जो है वो सॉफ़्ट ना हो जाए। तो अभी देखिए लौकी जो है वो सॉफ़्ट हो गई है, लौकी मतलब अच्छी तरीके से मतलब पक भी गई है, और इसे बस मुझे स्मैश करना है और थोड़ा सा इसे भून लेना है, उसके बाद सब्जी जो है बन जाएगी। दूसरे साइड में मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मतलब नाश्ता देना है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं रोटी और सब्ज़ी बना लूँ, बाद में दाल चावल मैं बना लूँगी। तो क्योंकि मुझे अभी दोपहर से लग जाना है गुजिया के लिए, और फिर बहुत सारे काम हैं, क्योंकि होली जो है वो सर पर है, बस 2 दिन रह गया है होली में, तो इसकी वजह से सफाई तो कुछ भी मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि तबीयत जैसा मेरा मतलब ख़राब था, इसकी वजह से घर की कोई भी क्लीनिंग नहीं की हूँ। बस ये है कि हाँ हल्का फुल्का काम जो है वो कर ले रही हूँ, जैसे कि कर्टन्स क्लीन करने हुए, और बाकी जो डस्टिंग हुई वही सब मैंने किया है। बाकी डीप क्लीनिंग ना किचन का मैं कर पाई हूँ, ना ही मैं रूम का कर पाई हूँ। और यहाँ अभी मैं कर्टन्स जो है उसे मतलब वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, कि ये 2 बार में मतलब वॉश होता है पूरे घर के कर्टन्स। मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो 6 kg का है, तो इसमें सिर्फ 5 कर्टन्स ही जाते हैं, फिर मैं 5 जो है नेक्स्ट टाइम वॉश कर लेती हूँ, और फिर सारे कर्टन्स वॉश हो जाते हैं तो उन्हें छत पर सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। बट मैं दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ दिखाना था, और बहुत कुछ ऐसा भी था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी देखिए मैंने मशीन में सारे कर्टन्स डाल दिए हैं, और मैं मशीन का जो घड़ी वास आता है, जो मशीन के लिए स्पेशल आता है, वो मैंने सर्फ डाल दिया है, और इसे 1.5 घंटे पे मैंने सेट कर दिया है। अब 1.5 घंटे में कर्टन्स जो है वास हो जाएंगे। अभी मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ, गुजिया की फीलिंग की। तो मैंने खोवा जो था वो भून लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर मैंने मतलब रवा यानी कि सूजी उसे भी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था। ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए थे, नारियल का जो बुरादा होता है वो भी मैंने भून लिया है, और अब इसे दूसरे बर्तन में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने गुजिये का जो बैटर होता है, मतलब गुजिये का जो फीलिंग होता है, वो मैंने बना लिया है। ये मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा मेरे फेस पर मतलब काटे हैं, और यहाँ देखिए घर कितना अस्त व्यस्त है।
कर्टन्स जो था दोपहर में मैंने मतलब वो वॉश हो गया था, सारा मैंने लगा दिया। ये देखिए सूख भी गया है और कितना चमक रहा है, ये देखिए सारे कर्टन्स लग भी गए हैं। बस थोड़े से कर्टन्स यहाँ पड़े हुए हैं, मतलब इस गेट के थोड़े से कर्टन पड़े हुए हैं, वो मुझे लगाना है। और अभी बज गए हैं शाम के 6:10 हो चुके हैं। और किचन में सरसों मतलब भून रही है ज्योति, क्योंकि सरसों कल जो बृहस्पतिवार है तो कल हम सरसों नहीं भून सकते हैं, उबटन नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही मतलब उबटन जो है वो मतलब बना के लगा दूँ बच्चों को, कल थोड़ा और मैं फ्री हो जाऊंगी। और यहाँ पे गुजिया का बैटर तैयार है और अभी मैं लगा लेती हूँ आटा। आज गुजिया मुझे बना के खाली हो जाना है, कल मेरा व्रत है। तो अभी कर्टन्स जो हैं वो सूख गए हैं। मशीन से मतलब अगर कोई भी चीज़ वॉश करिए तो कपड़े बहुत जल्दी, बस हवा लगने की देर होती है, सूख जाते हैं। तो अभी देखिए सारे कर्टन्स हम लगा देंगे, हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो अभी कर्टन्स लग गए हैं, फिर मैं अब गुजिया की मतलब गुजिया के लिए आटा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मतलब मैदा ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से मैं छलनी से मतलब छान लूँगी, क्योंकि वैसे तो नया मैदा है पर छान लेने से ये होता है कि अगर कोई भी कीड़े या घुन होगा तो वो सब निकल जाएगा, कुछ भी होगा तो निकल जाएगा, पर कुछ निकला नहीं, बिल्कुल साफ़ जो था मैदा था। और अभी ये देसी घी मैंने गर्म कर लिया है और इसे मैं डाल देती हूँ मैदे पे और अच्छी तरीके से मैं इसका मोयन कर लूँगी। जितना अच्छा हम मोयन करेंगे उतना अच्छा गुजिया जो है वो खस्ता बनेगा। तो मैं इसे रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से मोयन कर लूँगी और फिर मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसे पता लगेगा कि मोयन हमारा हुआ है या नहीं। तो ये देखिए जब मुट्ठी बंद करने पर मुट्ठी का आकार मैदा ले ले तो आप समझ जाइए कि आपका मोयन बहुत अच्छे से हो गया है। और मैं अब गुनगुने पानी से मतलब आटा मैं सेट कर लूँगी, आटा लगा लूँगी, बिल्कुल जैसे हम चपाती बनाते हैं उस तरह से आटा लगाना है हमें। और फिर जो है अब हम गुजिया जो है बना रहे हैं और गुजिया बनाने में छवि है, रुपेश है, सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारी गुजिया जो है वो मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो वीडियो मैं डालूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए, सभी की तरह मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट किया करिए आप लोग। और यहाँ देखिए मैं गुजिया आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मतलब गुजिया जो है हम बना सकते हैं। पहले हम पूड़ी की तरह लोई लेके उसे बेल लेंगे, फिर उसको कुछ इस तरह से गुजिया के सांचे में रख के उसके अंदर मतलब आप जितना चाहे उतना मतलब बैटर इसके अंदर फील कर सकते हैं। और फिर इसे प्रेस करके बस साइड का जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो निकाल दीजिए, गुजिया बन के रेडी है। और यहाँ देखिए गुजिया मैं फ्राई कर रही हूँ, सारा गुजिया जो है वो बन गया था तो मैंने मतलब शुरू कर दिया था फ्राई करना गुजिया को। और हर साल तो मैं 2-3 तरह के मतलब डिज़ाइन वाली गुजिया बनाती थी, पर इस साल तबीयत नहीं सही होने की वजह से बस एक ही तरह का मतलब मैं गुजिया बना रही हूँ। और जैसे कि मैं भूल भी जा रही हूँ कि क्या मुझे रिकॉर्ड करना है, तो अभी आधा गुजिया जो है निकल गया है तो इसकी वजह से जो तेल है वो तेल भी मतलब गंदा हो गया है। तो इसे माइंड मत करिएगा, जो गुजिया मतलब एक आध गुजिया जो है फट जा रहा था तो उसी का जो बैटर था मतलब फीलिंग था वो फैल जा रहा था तेल में, तो इसकी वजह से तेल जो है वो उसमें कुछ दिख रहा है पर वो रावा तो वगैरह ही है और कुछ नहीं है। था वो मैंने छान लिया है, अब बस थोड़ा सा मैदा बचा था तो ये देखिए बस थोड़ा सा नमकीन मतलब आज बना ली हूँ, फिर थोड़ा सा कल बना लूंगी। पर सबसे बड़ा जो टेंशन था गुजिया बनाने का, गुजिया बन गया है, इसे डब्बे में रखना है। और किचन आपको दिखा रही हूँ, किचन मैसी हुआ है, किचन कितना मैसी हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी सब कुछ मतलब ऐसे ही फैला हुआ है, बस अभी मुझे क्लीन करना है। सिंक आप देख सकते हो, सिंक भी फुल हो गया है, तो मैं जल्दी से अभी किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर बनाने की मतलब तैयारी करूँगी। और आज बनाऊँगी अंडा करी, क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी है तो वो लेकर आए हैं, बोल रहे हैं कि आज तुम अंडा करी ही बनाओ, तो अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ जल्दी। तो अभी मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी, तो लहसुन प्याज मैं कट कर लूँगी और मसाला वगैरह सब पीस लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैं रोटी बना लूँगी और तीसरी तरफ मेरा जो अंडा कढ़ी है वो बनने के लिए मतलब बन रहा है। तो अभी मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं मसाला ऐड कर दूँगी। मसाले में मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक, टमाटर
ये सब मैंने लिया है। और ज़्यादातर मैं हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ कलर के लिए। और इसमें भी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक ये सब डाल दूँगी। और मसाला मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाला जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं जब मसाला हल्का सा मतलब भून जाएगा तो इसमें आधा चम्मच मैंने बेसन ऐड कर दिया है, और बेसन के साथ इसे भून लेना है जब तक कि मसाले में से सौंधी सौंधी खुशबू बेसन की ना आए। और अभी देखिए मसाला भून गया है, तो मैंने जितना मेरा मतलब फैमिली है उस हिसाब से मैंने 2-3 कप पानी डाल दिया है। और जब ग्रेवी बॉयल हो रही थी तो मैंने इसमें अंडा डाल दिया, और बस ढक के 2-3 मिनट और पकाऊंगी। अंडा करी बन के रेडी है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। अंडा करी भी हमारी बन गई है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए राइस भी जो है वो बन गया है, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। राइस भी बन गया है, मैंने रोटी भी बना लिया है, रोटी भी बन गई है। और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उसके बाद मैं मतलब सभी को लंच डिनर करा दूंगी। तो और तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उपटन भी बना लिया है, और उपटन आज अगर मौका मिलेगा तो मैं अभी लगा लूँगी, वरना कल बच्चों को लगाऊंगी। तो इसे भी मैंने तैयार कर दिया है, बस इसमें मुझे हल्दी डालनी है, आधी चम्मच हल्दी मिला दूंगी, फिर सभी को लगा दूंगी उपटन। और अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। तो पर चलिए आज गुजिया बना लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दिन पहले मैंने मतलब गुजिया बना के रख लिया है। अब कल थोड़ा रिलैक्स करूँगी, रिलैक्स रहूँगी, फिर उसके बाद से परसों तो होली है, उस दिन तो काफ़ी सारे काम होते हैं। आप सभी हाउसवाइफ को पता होगा कि कितना सारा काम होता है। तो अभी मेरा किचन भी क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो। बस सभी अभी हस्बैंड गए हैं बगल में पड़ोस के घर, तो अभी वो आएंगे तो उनके साथ सभी को मैं डिनर करा दूँगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, और मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए उपेश और ज्योति चेस खेल रहे हैं, छवि टीवी देख रही है। देखिए रुपेश जो है वो चेस खेल रहा है, एग्जाम इसका सोमवार से एग्जाम है। और यहाँ देखिए छवि देखिए टीवी देख रही है यहाँ पर। तो अभी और मैं 6 बजे से किचन में लगी हुई हूँ, और अभी बज रहे हैं 10:30 होने वाले हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो 10:10 हो गया है मुझे काम करते करते, तो इसलिए मैं ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक फिर सभी को मैं डिनर करा दूँगी।